एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू द मॉडर्न किचन चैनल। तो आज की रेसिपी कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल में होने वाली है, जिसका नेम है तवा चिकन मसाला। और इसको बनाने में बहुत ही सिंपल है, तो आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सो फर्स्टली टेक अ पैन एंड टर्न ऑन द फ्लेम। 100 ml यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, तो ये हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और हमने इसे तब तक कुक करना है जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। As you can see, इसका कलर वाइट हो गया, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 teaspoon salt, बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। तो बस हमने इसे थोड़ी देर के लिए कुक करना है, मिक्स करना है, ताकि जो चिकन है हमारा वो बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाए। फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। चिकन का जो वाटर है उसको ड्राई करने के लिए यहाँ पर मैं इसको कवर कर रही हूँ। और एक इंग्रेडिएंट है जिसको मैंने खुद तैयार किया था, उसके अंदर मैंने ऐड किया था 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 2 tablespoon वाटर के अंदर मैंने इसको मिक्स कर लिया था, और वो वाटर मैं इसके अंदर अब ऐड कर रही हूँ। 3 tablespoon के बराबर मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है वाटर को, और इसको आप ज़रूर ऐड करिएगा, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और इस स्टेज पर हम फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे। हाफ टी स्पून यहाँ पर है मेरे पास ग्रीन चिलीज का पेस्ट। हर एक इंग्रेडिएंट को ऐड करने के बाद आपने मिक्स करना है। अगेन हम इसे कवर करेंगे, और जो वाटर था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, तो यहाँ पर हम दोबारा से इसे मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स। अगेन हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर 1 tablespoon और ऐड कर दिया था। काली मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 teaspoon। मीडियम से लो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फ्लेम रखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड किया है टोमेटो स्लाइसेस। यहाँ पर मैंने एक टमाटर ले लिया था, तो उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। और टोमेटो को हम इसमें कुक होने देंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। 4 to 5 minutes के लिए हम इसे कवर कर देंगे, जब तक टोमेटो सॉफ्ट ना हो जाए। और यहाँ पर हमारे जो टोमेटो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, तो मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी। ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करिएगा। मैंने यहाँ पर टोमेटोज़ को चेक किया था, तो अच्छी तरह से ये सॉफ्ट नहीं हुए, तो मैंने अगेन इसे कवर करके कुक किया था। सो फाइनली यहाँ पर हमारे टोमेटो सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हमने इसकी स्किन रिमूव कर देनी है, और इधर ही हम इसे मैश कर लेंगे, तो जो स्किन होगी टोमेटो की वो हम रिमूव कर देंगे। तो बस इतना सही काम था, अब हमने इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। नाउ आई एम गोना ऐड 1.5 tablespoon ऑफ शुगर। दही को आप ऐड करने से पहले इसे मिक्स ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ में हम इसे अगेन मिक्स कर लेंगे।
और योगर्ट ऐड करने से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा मेरे पास जिंजर था वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और अगर आपको कोरिएंडर लीव्स ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किए। 2 पिंच मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। और इस रेसिपी को आप लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसी के साथ हमारा जो तवा चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सब्सक्राइब के बिल्कुल राइट साइड पर बेल आइकन होता है, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। और ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनी थी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और इसका जो फीडबैक है वो भी आप ज़रूर सेंड करिएगा। एज ऑलवेज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड या स्टे हंग्री। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।